बर्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह से आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आइए नए डालते हैं बड़ी खबर पर। बॉय लंदन मेंस वेयर दमोह शहर में पहली बार क्वालिटी से भरपूर जींस ट्राउजर मात्र 500 रुपए, शर्ट 400 रुपए में उपलब्ध। साथ ही उपलब्ध टी शर्ट लोवर की ढेर सारी वेरायटी, वो भी किफायती दामों में। हमारा पता न्यू पूंदबहु कॉम्प्लेक्स शॉप नंबर 1 दमोह। देश और दुनिया के साथ ईद उल फित्र की नमाज दमोह में भी अदा की गई, जिसमें शहर कमेटी के 5 मेंबरों ने नमाज अदा की। उनके साथ शहर इमाम साहब व शहर काजी उपस्थित रहे। कोरोना महामारी के चलते जहां पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में जिस ईदगाह में हजारों की संख्या में लोग नमाज अदा करने जाते थे, लेकिन प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए केवल कमेटी के 5 लोगों ने ही नमाज अदा की। इस नमाज अदा के समय पूरे समय प्रशासनिक अधिकारियों में SDM रविंद्र चौक से तहसीलदार बबीता राठौर, CSP मुकेश अभद्रा, कोतवाली TI HR पांडे सहित प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति रही। वहीं नमाज के बाद जब ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष आजम खान से प्रशासनिक अधिकारियों ने चर्चा की, तो उस समय ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष आजम खान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि इस महामारी के चलते पहली बार ऐसा हुआ है जहां हजारों की संख्या में हमारे साथीगण नमाज अदा करते थे, लेकिन इस बार किसी को भी ईदगाह में नमाज करने नहीं मिल पाया। मुझे बहुत दुख है। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग यहाँ आए और हम लोगों ने भी कोशिश की कि लॉकडाउन का पूरी तरह लॉकडाउन पूरा पालन किया, कोशिश नहीं की पूरा पालन किया, पालन किया। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, आपके लिए आवाज बहुत शानदार काम हो गया। सब जगह जा गए मैसेज के माध्यम से, जो कलेक्टर साहब ने और जो शासन के निर्देश बताए थे उनका आप लोगों ने पूर्ण रूप से पालन किया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पालिका प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सभी लोगों ने जो इंतज़ाम किए हैं उसके हम शुक्रगुजार हैं। आप लोगों ने बड़े अच्छे इंतज़ाम किए थे, यहाँ सुरक्षा के पूरे प्रबंध थे और हम लोगों ने इमाम साहब ने दुआ की है कि या अल्लाह ताला इस जो बीमारी है इससे जल्द से जल्द निजात मिले और हमारा देश और दुनिया वापस पटरी पर आ सके। बड़ा दुख होता है वीरान देख कर हमें कि हमारी मस्जिदें जिनमें एक एक हमने ईंट पत्थर लगा के उनको तैयार किया है, मगर आज उसमें हमारे ईदगाह में पढ़ने वाले लोग नमाज ही नहीं आ रहे। सर बड़ा दुख होता है, लेकिन मत रख के अल्लाह का ये कहर है नाजिल हुआ है हम लोगों पे। हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी अल्लाह ताला इस नमाज के सदक़े में हम लोगों की दुआ कबूल करे और आने वाले समय में इस महामारी से, इस कोरोना वायरस से हमें निजात दिलाए। नमाज अदा की गई आज ईदगाह में। अराकीन ईदगाह के साथ जो है चंद अफराद ईदगाह मस्जिद में दोगाना नमाज अदा की और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के निर्देश अनुसार तमाम नियमों का पालन करते हुए दोगाना नमाज अदा करने के बाद अपने मुल्क के लिए, सारी दुनिया के लोगों के लिए ख़ास तौर से दुआ की गई कि अल्लाह ताला करम फरमाए तमाम जहान पर, दुनिया के सारे लोगों पर और ख़ास कर हमारे मुल्क पर, इस ख़तरनाक वबा से सारे इंसानों को बचाए, हमारे मुल्क को बचाए। आज ईद उल फित्र की नमाज जो लॉकडाउन के नियम थे उनके अनुरूप हम लोगों ने, जो ईदगाह मस्जिद कमेटी के मेंबरान थे उन्होंने आज ईदगाह मस्जिद में महज 5 लोगों ने नमाज अदा की है। साथ में पेश इमाम साहब और शहर काजी साहब थे। हम तमाम लोगों ने दुआ की है कि अल्लाह ताला हमें इस जो वबा है, ये बीमारी है, महामारी है कोरोना वायरस की, इससे जल्द से जल्द
निजात दिलाए और हमारा मुल्क हिंदुस्तान और सारी दुनिया इस बीमारी से महफूज हो सके। हम एक बार फिर तमाम दमों के लोगों को ईद की, ईद उल फित्र की मुबारकबाद देते हैं। मौके पर नमाज पढ़ी जा रही, क्या कहेंगे सर आज? आज ईद है, रमजान महीना की समाप्ति के बाद आज ईद मनाई जा रही है। क्योंकि हमारे पूरे देश में कोरोना महामारी फैली हुई है, उस तारतम्य में सभी मुस्लिम समाज से अनुरोध किया गया था, निर्देशित किया गया था कि सिर्फ ईदगाह पे मस्जिदों में 5-5 लोग ही नमाज पढ़ें, तो लोगों ने उस का आदेश का पालन किया और सिर्फ 5-6 लोग यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, एक पढ़ाने वाले हैं, इससे ज़्यादा कोई लोग किसी मस्जिद में नहीं गए। और सभी लोगों ने जो निर्देश कलेक्टर महोदय के द्वारा प्रसारित किए गए हैं, SP महोदय के द्वारा प्रसारित किए गए, उनका पालन किया है। उसी तारतम्य में हम सभी लोग ड्यूटी पर खड़े हुए हैं। ईदगाह में पहले हज़ारों की संख्या में यहाँ नमाज पढ़ी जाती थी। कोरोना महामारी के कारण जो शासन के निर्देश अनुसार मुस्लिम समुदाय द्वारा 5 व्यक्तियों के द्वारा नमाज पढ़ने का वो हुआ था, उसमें 5 लोग नमाज पढ़ रहे हैं और एक पढ़ाने वाला है और एक कवरेज कर रहा है। कुल ऐसे 7 व्यक्ति हैं, जो एक व्यक्ति दूर है। और ऐसे ही मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की जा रही है। हमारा पुलिस बल चारों तरफ मस्जिदों पर पेट्रोलिंग और यहाँ से ईदगाह पर लगा हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है।